अरमान ने निकाला अबीरा को जॉब से। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि चारू आकर अबीरा को बताती है कि वो उनका केस नहीं जीत पाएगी। भाभी अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अबीरा जवाब में कहती है कि तो फिर ठीक है, कल मैं खुद कोर्ट आकर केस लड़ूंगी। पर दादी सा इसके लिए साफ मना कर देती है। बेचारी अबीरा के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। और जब उसके क्लाइंट को ये बात पता चलती है तो वो पोदार हाउस पहुँच जाती है। वो लेडी अबीरा के पैर पकड़ कर उससे रिक्वेस्ट करती है कि कल आपको कोर्ट आकर मेरा केस लड़ना ही पड़ेगा। अबीरा इस बारे में अरमान से भी डिस्कस करती है और दादी सा की तरह वो भी उसे कोर्ट जाने से मना कर देता है। अगली सुबह अबीरा अपनी वकील वाली ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और यह देखकर सब घर वाले शोक हो जाते हैं। अबीरा दादी सा से कहती है कि मुझे पता है मेरे ऊपर बीएसपी की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं अपनी दूसरी जिम्मेदारियों से भी नहीं भाग सकती हूँ। मुझे उस माँ के बच्चे को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट जाना ही होगा। दादी सा जानती है कि अबीरा बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, इसीलिए वो उसे पोदार फार्म से ही निकाल देती है। अरमान जाकर अबीरा के हाथों में उसका टर्मिनेशन लेटर पकड़ा देता है। अब आगे यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अबीरा उस लेडी का केस कैसे लड़ती है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।